हेलो बच्चों, आई एम मोनीश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बॉटनी। दोस्तों, आज बायोलॉजी का 10th का पहला चैप्टर हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करने वाले हैं। इस चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे। चैप्टर का 2 क्वेश्चन का वेटेज है। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने इस टॉपिक में आप लोगों को कवर कराया था, कुछ पार्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे फ्लावर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, वो एंड्रोसियम होता है। और एंड्रोसियम में मैंने बताया था बेटा, इसकी सिंगल यूनिट को स्टैमन कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्टैमन का ऑपरेशन करके बताया हुआ था कि जो स्टैमन है इसमें 3 पार्ट होंगे। एंथर के साथ साथ मैंने बताया कनेक्टिव के साथ साथ स्टेराइल फिलामेंट भी इसका पार्ट होता है। बच्चों, अब अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जो एंथर है ये बाइलोब्ड होता है, इसमें टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है क्योंकि 4 स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। जो एंथर है ये बाइलोब होगा, ईच लोब में 2 थीका पाए जाएंगे, इस पर भी मैंने बताया था, इसलिए NCERT लिखती है डाइथिकस और बाइथिकस। एंथर जो है वो डाइथिकस होता है या बाइथिकस होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, 4 स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखा करके मैंने इसके अंदर बताया कि पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है आखिरकार एंथर के अंदर। बेटा, एंथर के अंदर मेल गैमिट या माइक्रोस्पोर की जो फॉर्मेशन है, पॉलन ग्रेन का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि हम उसे उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन एंथर, इनसाइड ऑफ एंथर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया था कि एंथर के अंदर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स इज बिहेव एज MMC मेगास्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल PMC। आफ्टर इट गेट मियोटिक डिवीजन, ये मियोसिस में जाती है एंड फॉर्म स्पोर टेट्राड। और क्या बनाती है बच्चों? स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। ईच स्पोर टेट्राड फॉर्म पॉलन ग्रेन, प्रत्येक जो स्पोर टेट्राड है वो क्या बनाते हैं बेटा? पॉलन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं, ये मेल गैमिटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। बाद में क्या बनाते हैं? मेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। आज मैं उसी पॉलन पे बात करने वाला हूँ। पॉलन की इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे, पॉलन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पॉलन ग्रेन का हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर पॉलन से नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बेटा, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा है पॉलन ग्रेन। क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन हम लेते हैं, पहला टॉपिक हमारा पॉलन ग्रेन। आज का टॉपिक है पॉलन। और पॉलन ग्रेन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई थी आपको, पॉलन ग्रेन के बारे में अगर हम बताएं तो पढ़ना तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में हमें पॉलिनेशन तक भी चलना है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे पॉलन ग्रेन है क्या, पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है। मैंने बता दिया आपको, जनरली पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है कि पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर बनता है। और एंथर के अंदर कैसे बनता है? मैंने बताया MMC से स्पोर टेट्राड बनते हैं और स्पोर टेट्राड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों लेंगे, अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि पॉलन दिखता कैसे है, कैसे दिखता है, किस शेप में होता है। तो सबसे पहले हम पॉलन का स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें बेटा, तो इस तरह से कुछ दिखता है। एक लेयर इसमें इनर होती है, एक आउटर लेयर होती है जो इस तरह से कुछ रफ दिखती है, इस तरह से दिखती है, लेकिन ये रफ होती है। एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। बेटा, जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं एग्जाइन। क्या बोलते हैं? एग्जाइन कहते हैं। जो अपनी इनर लेयर होती है, समझेंगे, आउटर लेयर को एग्जाइन, जबकि इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? हम इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इंटाइन कहते हैं। आउटर लेयर जो होती है ये एग्जाइन, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी बनी होगी? दैट इज फाउंड बाई स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या है बेटा? स्पोरोपोलिनिन इज एन केमिकल सब्सटेंस। स्पोरोपोलिनिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बड़ा ही हार्ड सब्सटेंस होता है,
जिसे किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, किसी टेम्परेचर के द्वारा, किसी एसिडिक कंपोनेंट के द्वारा हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसलिए पॉलन ग्रेन प्रोटेक्ट करता है मेल गैमेटोफाइट को, मतलब एग्जाइन जो है या स्पोरोपोलिनिन जो है, ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एग्जाइन, इट इज मेड अप ऑफ एन हार्डेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस। हम इसे किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो पॉलेंस आर यूजेबल इन स्टडी ऑफ फॉसिल साइंस। पॉलन की स्टडी बेटा हम फॉसिल साइंस में भी करते हैं। फॉसिलाइजेशन के लिए भी पॉलन की इम्पोर्टेंस है, मैं उस पर भी बात करूँगा जब इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन कहूँगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ, पॉलन ग्रेन आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे दिखेगा, बाहर की तरफ एक लेयर है जिसे एग्जाइन, अंदर की तरफ जो लेयर है बेटे ये स्मूथ है। तो हम लिख सकते हैं जो इनर लेयर है कैसे दिखती है, इट इज़ ए स्मूथ लेयर। जो बाहर वाली है ये कैसे है, ये रफ दिखती है, रफ है, और ये स्पोरोपोलिनिन से बनी है। दूसरी बात, जो आउटर लेयर है बेटा ये आप अगर देखेंगे तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, बीच बीच में इसमें गैप देखने को मिलेगा। ये कैसी है आपको देखने को मिलेगी, डिसकॉन्टिन्यूअस है, और जो डिसकॉन्टिन्यूअस पार्ट है इसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जर्म पोर। ये क्या है, जर्म पोर है जहाँ से पॉलन ट्यूब ओरिजिनेट होगा, जहाँ से क्या ओरिजिनेट होता है, पॉलन ट्यूब का ओरिजिनेशन होगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एग्जाइन स्पोरोपोलिनिन का बना होगा, स्पोरोपोलिनिन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो पॉलन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। इंटाइन जो है बेटा ये किससे बना होगा, ये स्मूथ होता है, और इट इज़ अ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना होगा, एंड किससे बना होगा, एंड बेटा पैक्टिन से बना होगा। तो इट इज़ अ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। कौन सेलुलोज पैक्टिन से, इनर लेयर जो इंटाइन है ये बना होता है। ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। बेटा अगर बात करें तो हम इसके पहले आपको बताएं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अगर हम देखें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं तो अंदर की तरफ चलेंगे, अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमें कुछ इस तरह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दिखाई देगा। इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बीच में, इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बीच में बेटा टू टाइप की सेल्स दिखाई देंगी। एक सेल्स ये है और दूसरी सेल्स मैं ऐसे बना देता हूँ ये भी एक सेल्स है। देखो टू टाइप्स की सेल्स दिखेंगी, एक आउटर मतलब ये इसी में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में आप देखोगे तो दो तरह की सेल्स होंगी। वैसे तो ये जो सेल्स हैं ये डेवलपमेंट के बाद बनेंगी, डायरेक्ट नहीं बनती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये पॉलेंस में देखने को मिलती है। मैं डायरेक्ट आपको दिखाई देता हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ, समझो मैं आपको इसको डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ। पहले आप देखेंगे तो पॉलेंस का स्ट्रक्चर आपको नियर अबाउट ऐसे ही दिखेगा। आप सिंपली इसको समझिएगा, पॉलेंस का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, कंप्लीट पॉलेन स्ट्रक्चर है। बेटा अगर हम पॉलेन स्ट्रक्चर को आगे डिटेलिंग करें, इसका अगर हम डिटेलिंग करें तो पॉलेन का स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम ये बनाते हैं एक पॉलेन का स्ट्रक्चर। बाहर की तरफ आप देखेंगे ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इसे एग्जाइन का बना हुआ है, ये अपनी कवरिंग है जो एग्जाइन की बनी हुई है, दैट इज़ कवरिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज़ एग्जाइन। अब इसका नाम नहीं लिखते हैं, अब मैं अंदर की प्रोसेस की ही बात करता हूँ। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। बेटा देखेंगे ये जो पॉलन है ये क्या करता है, ये पॉलन बनने के बाद, अपने बनने के बाद, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, ये पॉलन जब खुद बन जाता है तो ये क्या करता है, क्योंकि ये यन है, हैप्लॉइड नंबर में है, तो ये करेगा माइटोसिस। क्या करता है बेटा, ये माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके क्या बनाएगा ये, और ये जो माइटोसिस करता है ऐसे माइटोसिस को एसिमेट्रिक माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक माइटोसिस कहेंगे, एसिमेट्रिक माइटोसिस, एसिमेट्रिक माइटोसिस। पॉलन गेट एसिमेट्रिक माइटोसिस टू फॉर्म टू सेल स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, दो सेल स्टेज आप गैमेटोफाइट बनाने का काम करता है। जैसे कि अगर हम दूसरा सेल स्टेज बनाएं तो हम ऐसा देखेंगे, टू सेल स्टेज आप पॉलिन ऐसे देखेंगे, एक स्ट्रक्चर हमारा ये वाला होगा, फिर आएगा बनके इस तरह से आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि बाहर की तरफ ये रफ एग्जाइन का होगा पार्ट, ये एग्जाइन का पार्ट होगा, और हम अंदर की तरफ देखेंगे तो अंदर हमको कुछ इस तरह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट फील मिलेगा।
ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है बेटा। इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में टू टाइप्स की सेल्स मिलेंगी। एक सेल्स हमारी वेजिटेटिव सेल्स होंगी, इस तरह से हम इनको वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स होंगी, और सॉरी जनरेटिव सेल्स इस तरह से स्पिंडल शेप में होंगी, जबकि वेजिटेटिव सेल्स आपको इस तरह से दिखेंगी, ऐसे तरह से आपको दिखेंगी एक सेल्स। इनको आप बोलेंगे क्या, इन्हें बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल्स। इनका जो न्यूक्लियस होगा ये इररेगुलर शेप में होता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वेजिटेटिव सेल का ज़्यादा होता है, जबकि कंपेयर में आप देखेंगे तो स्पिंडल शेप जो है ये छोटी दिखती है, स्मॉल होती है। पहली बात ये है कि आप देखेंगे ये अपनी क्या है, वेजिटेटिव सेल्स हैं। क्या है बेटा, दैट इज़ वेजिटेटिव सेल, ये अपनी वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे इधर, तो ये हमारी जो सेल है इसका नाम है जनरेटिव सेल। क्या नाम है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स, समझेंगे, जनरेटिव सेल्स। ये वेजिटेटिव सेल है और दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आप नाम से ही समझ रहे होंगे, वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी पार्ट बनाने वाली सेल्स, या ऐसी सेल्स जो कायिक सेल्स हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट्स बना सकती हैं। जबकि जनरेटिव सेल्स वे सेल्स होती हैं जो क्या बनाती हैं, जनरेट होकर के नए सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स कहते हैं उनको। तो अब देखो वेजिटेटिव सेल्स तो नहीं करेगी डिवीजन, लेकिन जो ये अगले स्टेप होगा, अगले स्टेप में आप देखेंगे तो जनरेटिव सेल्स डिवाइड हो जाएगी, फिर से जाएगी और माइटोटिक डिवीजन करेगी, फिर से क्या करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट गेट इन माइटोटिक सेकेंड यम टू, कहाँ पर जाएगी, यम टू, माइटोटिक सेकेंड डिवीजन करेगी, और यम टू के बाद, माइटोटिक सेकेंड डिवीजन के बाद ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी बेटा क्या, M2 के बाद आप देखेंगे कि M2 के बाद दोबारा माइटोटिक डिवीजन करके जनरेटिव सेल दो दो नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। इस तरह से मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, आप समझेंगे इसको। ये हो गया एग्जाइन, ये आपका एग्जाइन, ये एग्जाइन हो गया, ये पार्ट एग्जाइन हो गया, और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो इंटाइन वाला पार्ट है, और इंटाइन वाले पार्ट में अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको वेजिटेटिव सेल्स दिख रही होगी, ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, जबकि जनरेटिव सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा दो सेल के फॉर्म में, इस तरह से एक सेल बन जाएगी और इस तरह से एक सेल बन जाएगी। आप नहीं समझ पाए हो तो समझिएगा, जब सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होगा तो जनरेटिव सेल डेवलप होकर के क्या बनाएगी, टू सेल्स बना लेगी, और जब ये जनरेटिव सेल दो सेल और बना लेगी तो आप देखेंगे कि यही दो सेल जो दिख रही हैं, यही दो सेल आपका मेल गैमेटोफाइट होते हैं। क्या होते हैं, इन्हीं को हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, कई फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज हैव द सेल स्टेज, विच सेल स्टेज, कितनी, हाउ मेनी सेल स्टेज आर हैविंग द मैच्योर गैमेटोफाइट्स, मैच्योर गैमेटोफाइट्स जो हैं वो कितनी सेल स्टेज रखते हैं। तो भाई आप देख लीजिएगा, मैच्योर गैमेटोफाइट्स का दो सेल का स्टेज स्वयं का है और एक वेजिटेटिव सेल का है, तो दो और एक तीन हो गया, तो आप कह सकते हैं मैच्योर गैमेटोफाइट है थ्री सेल स्टेज। जबकि इमैच्योर का अगर पूछा जाए तो इमैच्योर गैमेटोफाइट मतलब जनरेटिव सेल जहां पर बन गई है, यहां जनरेटिव सेल तो बनी है लेकिन जनरेटिव सेल बन करके अभी यहां पर इसने कोई सेल नहीं बनाया है, तो इसे इमैच्योर गैमेटोफाइट कहते हैं टू सेल स्टेज को। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है, ये जो टू सेल्ड स्टेज है, टू सेल्ड स्टेज, ये जो टू सेल्ड स्टेज है ये कैसा है, इमैच्योर गैमेटोफाइट है। कैसा है, इमैच्योर मैच्योर गैमेटोफाइट, ये इमैच्योर गैमेटोफाइट है, ठीक है ना, ये इमैच्योर गैमेटोफाइट है। जबकि अगर बात करेंगे हम थ्री सेल्ड स्टेज का, यहाँ पर ये आपका जनरेटिव सेल्स बना ली मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है ना, तो इसे हम लिखेंगे थ्री सेल्ड स्टेज, थ्री सेल्ड स्टेज, ये क्या है, ये मैच्योर गैमेटोफाइट है, मैच्योर मैच्योर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो मैच्योर गैमेटोफाइट कितनी सेल हैं, तीन सेल स्टेज हैं, ठीक है ना। पॉलेंस के प्रोसेस में मेल गैमेटोफाइट बनने की प्रोसेस को मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी गैमेटोफाइट फॉर्म्स बाई सिंगल मियोटिक डिवीज़न ऑफ PMC, पॉलन मदर सेल के सिंगल मियोटिक डिवीज़न के बाद कितने मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आ सकता है बेटा, समझेंगे क्वेश्चन फिर से समझेंगे। हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट आर फॉर्म्ड बाई सिंगल मियोटिक डिवीजन ऑफ पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल जब सिंगल मियोटिक डिवीजन करेगी तो कितने मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, आपको पता होना चाहिए। ये जो पॉलन ग्रेन बना है, ये पॉलन ग्रेन कैसे बना है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव एज, स्पोरोजिनस सेल्स बिहेव एज कैसा, पीएमसी ऑब्लिक, मैंने बताया था एमएमसी, ये यही एमएमसी पीएमसी के जैसा बिहेव हो करके कितनी सेल्स बना रही थी, फोर स्पोर टेट्राड बनाया था, और चार स्पोर टेट्राड से क्या बन रहा था, चार पॉलन बन रहे थे, उसी में से एक पॉलन ये वाला है जो मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको, इसका डेवलपमेंट अभी अभी दिखाया। तो सिंगल पॉलन यहाँ से होकर के आगे की तरफ बढ़ता गया स्टेप बाय स्टेप, और फिर आप क्या देखे, लास्ट में दो सेल आपको देखने को मिली बेटा, कितनी मिली, टू सेल स्टेज में। तो आपको पता चला कि एक पॉलन कितना सेल बना रहा है, दो मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, कितना मेल गैमेटोफाइट, दो मेल गैमेटोफाइट। और एक मियोटिक डिवीजन के बाद स्पोरोजिनस सेल्स, एक मियोटिक डिवीजन, एमएमसी कहिए आप, स्पोरोजिनस सेल्स नहीं कहिए, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल गेट मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म फोर पॉलन ग्रेन, सो वी कैन से वी आर कॉल्ड फोर पॉलन ग्रेन फॉर्म एट मेल गैमेटोफाइट बिकॉज वन पॉलन फॉर्म टू मेल गैमेट। आपको मैंने प्रूव करके भी दिखाया कि एक पॉलन दो मेल गैमेट बनाएगा, तो भाई आपके पास चार पॉलन बने हुए हैं, और चार पॉलन कितना बनाएंगे, तो आप जानेंगे एट मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, कब, एक मियोटिक डिवीजन के बाद। क्वेश्चन आता है कि मियोटिक डिवीजन जो होता है वो, उसमें आपको बताया था मैंने, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड स्पोर टेट्राड बनाने के लिए, लेकिन गलती नहीं करिएगा, सिंगल टाइम मियोसिस होता है वहाँ पे बेटा, सिंगल टाइम मियोसिस होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। ये हो गई पॉलन की बात, ठीक है ना। आपको पॉलन के बाद अगर हम आगे का पोर्शन लेते हैं, दैट्स इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया। आगे की बात अगर हम करें तो पॉलन एलर्जी एक टॉपिक आता है कि पॉलन और क्या कर सकता है, क्या पॉलन्स के यूज हैं हमारी लाइफ में, तो हम अगला टॉपिक लेते हैं पॉलन एलर्जी, समझेंगे, पॉलन एलर्जी, पॉलन्स का एलर्जी का क्या प्रॉब्लम है भाई। तो पॉलन ग्रेन्स कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमोफिलस नेचर के होते बेटा, एनिमोफिलस नेचर का मतलब है द पॉलन या द पॉलन विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द पॉलन विच ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड। अगर हवा की हेल्प से पॉलन एंथर से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर कॉल्ड एनिमोफिलस। ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्या बेटा, एनिमोफिलस, क्या कहते हैं, एनिमोफिलस, फिर समझेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड। अगर बच्चों विंड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विंड, अगर विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से ट्रांसफर हो रहा है पॉलन्स का, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड इन एनिमोफिलस, क्या कहेंगे इसे हम, एनिमोफिलस, इसको हम एनिमोफिलस कहेंगे। और बेटा ऐसे पॉलन ग्रेन जो विंड की हेल्प से पॉलिनेटेड होते हैं, जिनमें पॉलिनेशन होता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन निकलने के बाद या आप कह सकते हैं कि स्टेशन छोड़ने के बाद, इस एंथर से निकलने के बाद पॉलन ग्रेन कोई ज़रूरी नहीं कि स्टिग्मा तक पहुँचे, क्योंकि हवा की हेल्प से आ जा रहे हैं, तो वो हवा की हेल्प से कभी कभी कुछ लोगों, मतलब अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मनुष्यों के भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकते हैं सांसों के साथ साथ, तो अगर हमारी बॉडी को टच करते हैं, हमारी बॉडी में सांसों के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं, तो हम लोग को क्रोनिक डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कुछ पॉलन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से क्रोनिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं इट लीड टू क्रोनिक डिसऑर्डर, ये क्या करा सकते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर
डिसऑर्डर, इनकी वजह से क्या हो सकता है, पहली एलर्जी तो क्रोनिक डिसऑर्डर हो सकता है बच्चों, दूसरी बात इसकी इसके प्रभाव से, फेफड़े के इन्फेक्शन के प्रभाव से हमको क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अस्थमा, और क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ये सभी बीमारियां हो सकती हैं कब, एनिमोफिलस पॉलिनेशन के टाइम में, ऐसे पॉलन ग्रेन जो विंड की हेल्प से पॉलिनेशन करते हैं। बेटा एनिमोफिलस यहाँ पे बताया है, एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं लिखा है, वैसे तो पॉलिनेशन के कई टाइप हैं, मर्मिकोफिली बताया गया है चींटियों के द्वारा पॉलिनेशन, मेलेकोफिली बताया गया मोलस्क के द्वारा पॉलिनेशन, काइरेप्टोफिली बताया गया है बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन, ठीक है ना, ऐसे आपको जूफिली बताया गया एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन, एनिमोफिली जो है वो बाई विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन, पहले ये क्वेश्चन आते थे सिलेबस में थे, अभी नहीं है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन नहीं है, लेकिन जो है उसको आप जान लो, एनिमोफिलस का मतलब ये है द पॉलन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की हेल्प से जहाँ पर पॉलिनेशन होता है, ऐसे कुछ प्लांट्स के पॉलन अगर किसी जीव के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं तो उसे उसे क्या देते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर देते हैं, अस्थमा ब्रांकाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो भाई कौन कौन से फिर प्लांट हैं जिनसे ये होता है, तो आपको पता है इजी वे में आप जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो आपका 11th में पढ़ाया था मैंने, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रास है जिसे आप पार्थीनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्थीनियम कहते हैं, पार्थीनियम, जिसे आप कैरेट ग्रास कहते हैं, कांग्रेस ग्रास कहते हैं, इंडिया में कांग्रेस के टाइम में वियतनाम से ये भेजा गया एक गैस, मतलब ये एक वीड था पार्थीनियम, जो कि गेहूं की फसल के साथ, क्रॉप की फसल के साथ उगता है, और ये वीट में ही भेजा गया था, तो मैंने 11th में आपको बता रखा है पार्थीनियम सॉयल टेरर है भाई, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मैंने आपको बताया था कि ये फार्मर्स को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इसके पॉलेंस जा करके फार्मर्स को क्रोनिक डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज कर रहे थे, तो वही वाला पार्थीनियम है ये, ठीक है ना, ये पार्थीनियम हो गया, और आपका चीनोपोडियम इसमें एक आता है बेटा, चीनोपोडियम है, पार्थीनियम है, एमरेंथस है, एक एमरेंथस भी आता है, चौलाई से बोलते हैं एमरेंथस, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी आपके पॉलन एलर्जिक पॉलन है, क्या है, दैट इज पॉलन एलर्जिक, ये सभी एलर्जी काज करने वाले पॉलन ग्रेन्स हैं, और इनके पॉलन्स एनिमोफिलस नेचर के होते हैं, जो हवा के साथ उड़ करके जाके किसी भी ह्यूमन बीइंग के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्रोनिक डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के द्वारा अस्थमा और ब्रांकाइटिस जैसी बीमारियाँ काज करने में हेल्प करते हैं, काज करते हैं। अगली बात अगर हम करें तो आपको इसके बाद पॉलन का यूज़, हमारी ज़िंदगी में पॉलन का क्या यूज़ है, ये तो हो गया पॉलन एलर्जी, फिर अगर हम बात करें बच्चों पॉलन का क्या यूज़ है, तो अगला टॉपिक हम ले सकते हैं यूज़ ऑफ पॉलन, समझेंगे यूज़ ऑफ पॉलन, पॉलन यूज़, यूज़ क्या है पॉलन का, तो पॉलन्स यूज बेटा, पॉलन का यूज जो है सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स और टैबलेट के फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो लिखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ यूज टू पॉलन्स इन द फॉर्म ऑफ सिरप एंड टैबलेट्स, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अ हाईली न्यूट्रिटिव, इट इज़ अ हाईली न्यूट्रिशियस, जो पॉलन ग्रेन है बेटा वो हाईली न्यूट्रिशियस नेचर का होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, इसलिए इसे वेस्टर्न कंट्री में टेबलेट और सिरप के फॉर्म में बना करके यूज करते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं, कौन लेता है इसको सबसे ज़्यादा बेटा, ये एथलीट्स यूज करते हैं, इंडिया में कौन यूज करता है, एथलीट्स यूज करते हैं बिकॉज इट इज़ अ हाईली न्यूट्रिशियस, हॉर्सेस रेस वाले घोड़ों को दिया जाता है, ठीक है ना, एथलीट्स को दिया जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है ये यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, ये सिरप्स और टैबलेट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है ना, ये हो गया पॉलन्स का यूज।
इसके बाद बेटा पॉलन वाइबिलिटी, एक क्वेश्चन आता है कि पॉलन की वाइबिलिटी क्या है, तो हम इधर लिख देते हैं पॉलन की वाइबिलिटी, यहाँ पर पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन की वाइबिलिटी क्या है समझेंगे, पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन की वाइबल कैपेसिटी, कितने दिन तक पॉलन कहाँ पर जीवित रह सकता है, ठीक है ना। तो स्पेशली आप जान लीजिएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखती है कि 30 मिनट्स तक, 30 मिनट्स अगर हम बात करें पॉलन का, तो 30 मिनट्स इज अलाइव इन इन कहाँ पर, सीरल्स, सीरल्स ओ आर मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स जो भी हैं उनमें लगभग 30 मिनट तक ये जीवित रह सकते हैं, 30 मिनट तक अलाइव रह सकते हैं। लाइक दैट अगर हम बात करें मोनोकॉट में 30 मिनट जीवित रह सकते हैं, जैसे कि अगर आप बात कर लें तो यहाँ पर वीट, यहाँ पर वीट, वीट, राइस, मेज, मेज, इन सब में कितना देर तक बेटा, लगभग 30 मिनट तक जीवित रह सकते हैं पॉलन। जबकि अगर बात करें, बात करें फैमिली फैबेसी, 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 सोलेनेसी, सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली रोजेसी, रोजेसी, रोजेसी में ये सेवेरल मंथ जीवित रह सकते हैं, कई मंथ तक। तो आप लिख सकते हैं मेनी मंथ, मेनी, मेनी मंथ, मेनी मंथ्स मतलब सेवेरल मंथ्स। आप जान सकते हैं पॉलन जो इनकी वाइबिलिटी है, कह सकते हैं कि जर्मिनेशन की वाइबिलिटी, आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन जर्मिनेशन वाइबिलिटी, इनकी स्टिग्मा पर पहुंचने तक की वाइबिलिटी जो होगी वो 30 मिनट तक है मोनोकॉट प्लांट्स में बेटा। जबकि अगर हम बात करें तो फैबेसी सोलेनेसी और रोजेसी में ये लगभग कुछ महीनों तक, फैबेसी सोलेनेसी और रोजेसी जैसे प्लांट्स में लगभग ये कुछ महीनों तक वाइबल रख सकते हैं, रह सकते हैं, इनकी वाइबल कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है। जबकि अगर हम बात कर लें पॉलन के बारे में, एक बात और आती है कि पॉलन प्रिजर्वेशन, अगर हम इनकी बात करें पॉलन प्रिजर्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं किसी में, पॉलन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन की, तो जो ये पॉलन्स है बेटा, इनके प्रिजर्वेशन की जो कैपेसिटी है, कहाँ तक इनको हम कैपेसिटी मतलब कितने दिन तक कितने टेम्परेचर में प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए इन्हें प्रिजर्व किया जाता है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें कि इनका प्रिजर्वेशन जो है वो लगभग नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन कह लीजिए आप, लिक्विड नाइट्रोजन हम लिखते हैं यहाँ पे, लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन, सॉरी, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के -196 डिग्री टेम्परेचर पर, लिक्विड नाइट्रोजन के -196 डिग्री टेम्परेचर पर इनको हम प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए। और इस प्रिजर्वेशन की टेक्निक को हम बेटा नाम देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या नाम देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो मैंने इसमें पॉलन से रिलेटेड बनने वाले तीन टॉपिक, पॉलन्स का यूज, इनका क्या यूज करते हैं हॉर्सेस और एथलीट खाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इसका यूज जो है वो होता है किसके फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में। फिर पॉलन की वाइबिलिटी जो है वो 30 मिनट तक की है सीरल्स में और मोनोकॉट्स में। जबकि बच्चों अगर हम बात करें कुछ फैबेसी सोलेनेसी और रोजेसी जैसे फैमिलीज के मेंबर्स में पॉलन कैन सर्वाइव इन सेवरल मंथ्स, कुछ मंथ तक पॉलन सर्वाइव कर सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखने होंगे, एथलीट्स और हॉर्सेस पॉलन का यूज करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, सिरप और टैबलेट के फॉर्म में यूज होता है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आना है। क्रायो प्रिजर्वेशन लिक्विड नाइट्रोजन पर किया जाता है, 196 डिग्री तापमान लगभग होगा तो इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ये आपका सिंपल, और इसके प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ये आपका हो गया। जहां पर पॉलन प्रिजर्व किया जाता है, एक क्वेश्चन यहां पे छूट रहा था मैं इसे भी कवर कर देता हूं, उसको क्या कहते हैं, वहां उस जहां पर उस प्लेस को हम कहते हैं पॉलन बैंक, क्या कहते हैं बेटा उसको हम पॉलन बैंक कहते हैं। तो द प्लेस विच प्रिजर्व टू पॉलन ग्रेन कॉल्ड पॉलन बैंक, जहां पर इसे हम प्रिजर्व करते हैं उसे हम पॉलन बैंक कहते हैं। ये हो गया पूरा पॉलन से रिलेटेड क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन एंथर वाला छूटा हुआ था, एंथर वाल, मैं पीछे से आपका कवर कर देता हूँ, ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर छूटा हुआ था, एंथर वाल, एंथर, एंथर, एंथर वाल, समझेंगे, एंथर वाल,
एंथर वाल में अगर हम देखें तो एंथर की कितनी वाल्स होती हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा अगर हमने बनाया था तो इसमें कितने वाल होते हैं। देखो एक वाल ये बाहर की तरफ से दिख रही है कि ये दो वाल हो गई, दो वाल हो गई, और एक ये अंदर की तरफ से ऐसे ले लेते हैं, ये तीन वाल हो गई, और एक वाल और ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चार वाल होते हैं, चार वाल हो गई, और यहाँ पर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है ना। तो जो सबसे आउटर मोस्ट होता है इसका नाम है इपीडर्मिस। क्या नाम बेटा? इपीडर्मिस। आउटर मोस्ट को इपीडर्मिस कहते हैं। सेकंड वाला जो है इसे हम इंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथीसियम कहते हैं, इंडोथीसियम। इस वाले को कहते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे बेटा? मिडिल लेयर। ये अपना मिडिल लेयर हो गया, और सबसे अंदर वाला जो है इसे हम बोलेंगे टैपिटम। क्या बोलेंगे? टैपिटम। देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो टैपिटम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे कई बार आया है, बाकी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन तो भी आप जान लीजिएगा। इपीडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इंडोथीसियम सेकेंड मोस्ट है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है ना। तो आपका सबसे पहले आता है क्या? इपीडर्मिस। इपीडर्मिस क्या करेगा? तो आप कहेंगे इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। क्या देगा बेटा? इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन देगा किसको? एंथर वाल को, मतलब ये एंथर वाल है, आउटर मोस्ट एंथर वाल, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है ना। और इंडोथीसियम जो है बेटा, ये इंडोथीसियम क्या करेगा? हेल्प इन डेहिस और ब्रस्ट, ब्रस्टिंग में या डेहिसेंस में हेल्प करेगा। ये हेल्प करेगा डेहिसेंस में, डेहिसेंस, हेल्प इन डेहिसेंस और ब्रस्टिंग, फटने में, ब्रस्टिंग। जब एंथर राइपेंड हो जाएगा तो उसमें फटने में कौन सहायता करेगा? ये इंडोथीसियम। ये बात इंपॉर्टेंट है डेहिसेंस के, डेहिसेंस के लिए। और प्रोटेक्शन तो सेकंड मोस्ट है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ही करेगा। फिर मिडिल लेयर की बात करें तो ये बेटा 2 to 3 लेयर होता है, 2 to 3 लेयर होता है। इसकी विशेषता ये है, इट इज़ अ फाउंड इन 2 to 3 लेयर। ये 2 to 3 लेयर में होगा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, ये जो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर क्या करेगा? ये बाद में डिजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। ये 2 to 3 लेयर में पाया जाता है, बाद में ये डिजनरेट हो जाता है धीरे धीरे, जो ज़्यादा लेयर्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये 2 to 3 लेयर्स में होती हैं, ये जानते रहिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए है, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है कि टैपिटम क्या करेगा? टैपिटम प्रोवाइड द प्रोटेक्शन बेटा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या करेगा? टैपिटम प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, नॉट प्रोटेक्शन, टैपिटम प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। यहाँ पर ये क्या करेगा बेटा? टैपिटम प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टू स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो है स्पोरोजिनस सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिससे जो सेल्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले सकेंगे, क्योंकि इस रीजन में जो टैपिटम है ये कंटेन करता है, अपने आसपास करता है, इसके पास ढेर सारा मोर डीएनए कंटेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या करता है? इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जो भी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये टैपिटम जो है इन्हें क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो बस आज मैंने पॉलन के जितने भी टॉपिक थे कवर कर दिए बेटा। मैंने आपको पढ़ा दिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट स्टैमन, स्टैमन के तीन पार्ट कनेक्टिव फिलामेंट और एंथर, एंथर का टीएस काट के आपको बताया कि एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजियम, चारों स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यूज, स्पोरोजिनस सेल्स कैसे स्पोर टेट्राड बनाते हैं, फिर स्पोर टेट्राड से कैसे पॉलन बनता है, और फिर मैंने आज वाले लेक्चर में पॉलन को कवर किया। मैंने बताया कि जो पॉलन्स हैं उनके 4 काम स्पेशली जो मैंने बता दिए, पहले तो मैंने पॉलेंस का डेवलपमेंट बताया आपको, कैसे ये वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स के फॉर्म में एसिमेट्रिकली फॉर्म में डिवाइड होते हैं, फिर डिवाइड होकर के जनरेटिव सेल्स 2 नई सेल बनाती हैं जिसे मैच्योर गैमेटोफाइट कहते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया पॉलन एलर्जिक नेचर के भी होते हैं, जैसे पार्थीनियम चीनोपोडियम, और आपका एक मैंने अभी बताया पार्थीनियम चीनोपोडियम के बारे में बताया, और भी कुछ होते हैं, जीरेटम भी है, आर्जिमोन भी है, डिफरेंट है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में जो था उसको मैंने बता दिया एलर्जिक के फॉर्म में। पॉलन का यूज जो है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए इसे टैबलेट के फॉर्म में वेस्टर्न कंट्री के लोग सिरप के फॉर्म में यूज करते हैं, मैंने इस पर भी बात की। इसके बाद मैंने पॉलन कहाँ पर प्रिजर्व किया जा सकता है, कितने टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जा सकता है, इस पर भी मैंने बताया आपको। पॉलन को लगभग -196 डिग्री तापमान पर प्रिजर्व करते हैं। सारी बातें हमने पॉलन से रिलेटेड कर ली, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा बेटा।
अगले टॉपिक में हम लोग लेंगे फीमेल गैमिटोफाइट, न्यूसेलस, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम, पिस्टिल के अंदर, गाइनोसियम के अंदर कैसे डेवलप होता है ये सब, और इसके बाद ओव्यूल, आगे के एक एक टॉपिक को हम लेते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बायोलॉजी।